अब आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय जागरण या नवजागरण को ध्यान में रख कर लिखा गया। ठीक है, करेंगे उस पर काम। तो उसके आगे लिखेंगे कुछ समझाते बुरा ही नहीं ना। अरे पगले लोग, तुम ही लोगों के फायदे के लिए इतना बकबक करता रहता हूँ। मतलब 5 मिनट में सिलेबस लोग ख़त्म करते हैं और कहते जाइए फिनिश। उसके बाद 5 साल तक न हिंदी समझ में आती है न आदमी खुद समझ आता है। तो ये जो कविता लिखी गई दोस्तों, वो राष्ट्रीय जागरण या नवजागरण को ध्यान में रख कर लिखी गई। समझ सकते हैं कि एक तरफ अंग्रेजी शक्तियां थीं, अत्याचारी शक्तियां थीं, और दूसरी तरफ भारत की मासूम जनता थी। न्याय और मानवता का पक्षधर। आज तक हिंदुस्तान ने कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया है, किसी की शांति को छीनने की कोशिश नहीं की, किसी को हताहत करने की कोशिश नहीं की। राम, इसी भारतीय जनता के प्रतिनिधि हैं, प्रतीक हैं। और रावण अंग्रेजी अत्याचारी अन्यायी शक्तियों का परिचायक है। इस कविता में राम की पीड़ा यह है कि रावण के पक्ष में महाशक्ति दुर्गा है। आप लोग जीएस पढ़ते हो, याद करो फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, तो ट्रिपल अलायंसेस बनते थे, जैसे जइया, इफारू, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। कहते हैं कि उस समय की जो महाशक्ति थी वो रशियन ताकत थी। सुने होंगे, उस समय की महाशक्ति अंग्रेजी अत्याचारियों के साथ खड़ी थी, ब्रिटेन वालों के साथ। खूब इतिहास भूगोल पढ़े हो, हाँ या ना? और भारत जो धर्म धन्य, मानवता को, न्याय को, इंसानियत को, मासूमियत को हमेशा लेकर चलने वाली शक्ति रही है, बेचारी अकेली पड़ी हुई थी, शोषण का शिकार। तो जैसी दशा उस समय भारतीय जनता की थी, कुछ वैसी ही दशा राम की है। इस कविता में राम की निराशा कुछ और नहीं, स्वाधीनता आंदोलन में लड़ने वाली जनता की निराशा है। राम जानते हैं इस बात को कि रावण कोई बहुत पराक्रमी नहीं है, और है भी अगर बहुत पराक्रमी, अति बलशाली, तो मैं उसे चुटकी में मसल दूंगा। लेकिन जब महाशक्ति खुद ही आमंत्रण पा करके अत्याचारी के पक्ष में खड़ी हो जाए, तो फिर न्याय की रक्षा कैसे होगी? ये कविता न केवल तात्कालिक प्रसंग को उठाती है, बल्कि शाश्वत प्रसंगों को, कि प्रत्येक युग का राम, अर्थात प्रत्येक युग में धर्म और मानवता को अत्याचारी, अधार्मिक
अन्यायी अमानवीय शक्तियों के खिलाफ द्वंद करना पड़ता है और पीड़ा आज भी उतनी ही है कि आज महाशक्ति राजनीति और लोकतंत्र में है। आज महाशक्ति किस में है? परंतु यह राजनीति और लोकतंत्र देखा जाए तो अपराधियों को संरक्षण दे रहा है। लोकतंत्र अपराधियों के संरक्षण में लगा है। अदालत भी अब ये सर्कुलर जारी करने को मजबूर है और वो भी दबे स्वर में कि अगर किसी पार्टी ने अपराधी को प्रत्याशी बनाया तो कारण बताना पड़ेगा। अब मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि बनाए ही क्यों कि कारण बताना पड़े। क्यों ना ऐसा कोई कानून पारित हो कि एक भी दाग हो तो वह लोकतंत्र का नुमाइंदा नहीं हो सकता। लेकिन खुलेआम ऐसे अपराधी, हत्यारे, बलात्कारी निर्लज भाव से घूम रहे हैं, जेलों में बंद। ये लोगों के खून के प्यासे जेल में बैठे बैठे न जाने कितने सेल चला रहे हैं और वहीं से बैठे बैठे लोकतंत्र की अमर्यादित परिभाषा को गढ़ने को आतुर हैं। जेल में बैठे बैठे ही चुनाव जीत जा रहे हैं। कई नाम है, नाम लेने की जरूरत नहीं। एक दो नाम, एक धर्म, एक संप्रदाय का नाम होता, एक जाति, लगभग सभी वर्गों से, सभी समुदायों से ऐसे राक्षस निकलते हैं। इन राक्षसों की कोई जाति नहीं होती। तो पीड़ा न केवल राम की है बल्कि आज के भी राम की है। तुम जैसे लोग सुबह से शाम मुखर्जी नगर में कभी जीएस कभी हिंदी मेहनत करते हो, एक टकबको ध्यान लगाए। और इन धनाढ़ लोगों जैसे तैसे फरेब से कमाए हुए लोगों के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, यहाँ भी आकर के हमारे हीरो बनते हैं, जननायक। समझना, एक दो नाम नहीं है, असंख्य। वो अंगूठा छाप भी हैं तो हीरो हैं। उनके लिए सरकारी नौकरी, सरकारी संरक्षण सब कुछ है और हम तुम इनके सब्जुबाग में आकर, बहकावे में आकर या तो सिर्फ दिग्भ्रमित रहे हैं या कहीं ना कहीं अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये कविता सभी काल के लिए सत्य है। यदि राम के समय के लिए सत्य है तो निराला जब कविता लिख रहे थे, निराला कालीन भारत के लिए भी सत्य है। उस समय भी अंग्रेजों के पक्ष में रूस जैसी शक्तियां और आज के समय में भी ये कविता उतनी ही प्रासंगिक है। सवाल है कि फिर कथा की क्यों आवश्यकता पड़ी? निराला ने साफ साफ बातें क्यों नहीं लिख दी? तो हम उस समय पराधीन थे। क्या थे? और पराधीन जनता शोषणकारी शक्तियों के खिलाफ अपनी बात सीधे सीधे नहीं कह सकती। अंग्रेजों ने नाम सुने होंगे, करजन से लेके लिट्टन तक सुने हो। सबने अभी व्यक्ति पर प्रतिबंध लगा रखे थे, कई प्रकार के प्रेस एक्ट थे, कई प्रकार, हाँ, थोड़ा सा चेम्सफोर्ड अच्छा काम किया, थोड़ा रिपन, बाकी ये लिट्टन करजन जितने थे सब एक नंबर के, हाँ, लुच्चे थे। तो जब अभी व्यक्ति पर प्रतिबंध लगा हो, शोषणकारी मजबूत हो, तो उसके खिलाफ अपनी बात को कहने का तरीका भी और क्या हो सकता है? निराला जैसे रचनाकारों ने कथात्मकता के माध्यम से,
किसके माध्यम से? प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात को कहने की कोशिश की। इसीलिए यह रचना कथात्मक भी है, प्रतीकात्मक भी है। यहाँ राम बोर्ड पर देखना, स्वाधीनता आंदोलन में शरीक राष्ट्रीय जनता के प्रतीक हैं। रावण अंग्रेजी शक्तियों का परिचायक है, और सीता जिनका हरण हुआ है, वो सीता भारत की खोई हुई स्वाधीनता या भारत की खोई हुई स्वतंत्रता का। कितनी बात समझ में आ रही है? तो लिखिए, यह रचना प्रतीकात्मक रचना है। ये लिखे छोड़ा था ना प्रियंका, बहुत हड़बड़ाने से पेट गड़बड़ हो जाता है, और जब पेट गड़बड़ हो जाए तो दिमाग अपने आप काम करना बंद कर देता है। हाँ, आप लोगों को शायद नहीं मालूम, आप देखिएगा कि जब आप नर्वस हैं तो आपको अक्सर बाथरूम वगैरह लगता है ना, ये क्या है? हाँ, बहुत तेज लगता है। इसीलिए हड़बड़ाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, खूब इत्मीनान से धीरे धीरे। जब मुझे परवाह नहीं है कि कितना समय लग रहा है, तो तुम्हें क्यों परवाह है? बिल्कुल परवाह मत करो, एक एक बात को सिर्फ दिलो दिमाग में बांधो, बैठाओ, लिखो, सुनो, फिर लिखो। तो राम की शक्ति पूजा कैसी है? प्रतीकात्मक कविता है, प्रतीकात्मक बड़ी से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बोलो? प्रति जोड़ इक, छोटी छोटी मिलके बड़ी, प्रतीकात्मक रचना। यहाँ राम स्वाधीनता आंदोलन शामिल, स्वाधीनता आंदोलन में शामिल राष्ट्रीय जनता के प्रतीक हैं। सीता भारत की, एक और देखना बाबू, इसमें ऊपर कुछ हल्का गिरा देना चाहिए, हल्का सा गिराना, वहीं गिरा, बैठे बैठे गिरा, यहीं से गिरा, कोई दिक्कत नहीं, बस, थैंक यू। सीता भारत की खोई हुई स्वतंत्रता का प्रतीक है। तथा रावण अंग्रेजी शक्तियों का परिचायक है, जिसने भारत की स्वतंत्रता का, ब्रैकेट में सीता का हरण किया है। भारत की स्वतंत्रता का, ब्रैकेट में सीता का क्या किया है? हरण किया है। युद्ध के पहले दिन रावण के आगे राम के सभी अस्त्र शस्त्र विफल हो जाते हैं।
राम के बाण, राम के बाण, अमोघ या राम बाण कहलाती हैं। राम के बाण अमोघ या राम बाण कहलाती, जो कभी निशाना नहीं चूकते, जो कभी निशाना नहीं चूकते। निशाना नहीं चूकते राम के ऐसे बाण, भी आज के युद्ध में, भी आज के युद्ध में यानी पहले दिन के युद्ध में लक्ष्य से भटक जाती हैं। ठीक कुछ ऐसी ही दशा, ठीक कुछ ऐसी ही दशा राष्ट्रीय जनता की भी थी, ठीक कुछ ऐसी ही दशा राष्ट्रीय जनता की भी थी, जिसके संघर्ष या प्रयास एक एक करके विफल हो रहे थे। सानु सभा में बैठे राम, सानु पर्वत चोटी का नाम है, सानु सभा में बैठे राम, सानु स दंत्य स, सानु सभा में बैठे राम, पर्वत की चोटी है जहाँ पर राम का शिविर लगा हुआ है, राम पक्ष की सेना इसी चोटी पर शिविर बनाई हुई है। तो युद्ध जब पहले दिन खत्म होता है राम और रावण के बीच का, तो पहले दिन रावण भारी पड़ता है। राम और रावण के बीच का पहला दिन राम के सभी अस्त्र शस्त्र विफल हो जाते हैं। राम लक्ष्य पर निशाना साधते हैं लेकिन इनके बाण निशाना से भटक जाते हैं। इधर रावण है कि राम पक्ष की सेना का विस्तार के साथ समूल नाश कर रहा है, और इधर राम है कि उनके बाण लक्ष्य से भटक जाते, राम के अस्त्र शस्त्र दिव्य हैं, ऐसे दिव्य अस्त्र शस्त्र भी निशाना चूक जाते। ठीक यही दशा राष्ट्रीय जनता की थी, जिसे लगने लगा था कि अब शायद हम लोग लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। कौन सा लक्ष्य? स्वाधीनता का, क्योंकि टारगेट एक एक करके फेल हो रहे थे। 1857 असहयोग आंदोलन, चंपारण खेड़ा जितने भी थे, किसान मजदूर आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो, बिल्कुल गोलमेज इरविन 1930-31 में ही देखिए, वो भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी, जनता का गांधी से भरोसा उठने लगा था। एक तरफ गांधी उदासीन हो गए थे कांग्रेस से, और दूसरी तरफ जनता भी गांधी के तरीकों से कहीं ना कहीं निराश हो गई थी। गांधी को काला झंडा दिखाना पड़ा,
असहयोग आंदोलन में जनता ने सब कुछ झोंक दिया और जनता लग गई कि इस बार लेके रहेंगे आज़ादी। कोई स्कूल छोड़ के आया, कोई नौकरी छोड़ के आया, कई सुहागने घर बार छोड़ करके लग गई। कई लोग तो ऐसे थे कि शादी तय हो गई थी, सब कुछ छोड़ छाड़ के विवाह को तिलांजलि दे करके घर परिवार दाम्पत्य सुखों को लोग लगे, और गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इससे दो घटना घटी, एक तो गांधी के प्रति जनता में निराशा का भाव, हाँ चौरा चौरी की घटना से ही उन्होंने वापस किया था, और एक दूसरी घटना कि हिंदी साहित्य में भी गांधीवादी प्रभाव कमजोर होने लग गए, मार्क्सवादी प्रभाव बढ़ने लग गए। यही 1930 का दशक था जब प्रेमचंद मार्क्सवाद को इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर हिंदी साहित्य में एक धारा ही चल पड़ी प्रगतिवाद, और तब नागार्जुन गांधी के थ्योरी पर ही प्रहार कर देते हैं। गांधी जी लंदन गए, लौट आए, बोलो आज़ादी मिली असली या नकली। गांधी के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के। अब समझ सकते हैं, तो दोस्तों जनता भी राम की तरह निराश थी, जैसे राम निराश हैं। निराशा का कारण उन्हें मालूम है, क्योंकि अत्याचारी के पक्ष में कौन खड़ी है और रावण के पक्ष में कौन, अंग्रेजी शक्तियों के पक्ष में कौन, जनता भी जान चुकी थी कि भाई अगर अंग्रेजों को हराना होता तो हरा देते, लेकिन इन संगठित शक्तियों को कौन भला हराए। साम्राज्यवादी ताकतें भारत को चारों ओर से घेर चुकी थीं। इतना ही नहीं, यदि आरंभ को भी देखें तो भारत में फ्रांस और इंग्लैंड दोनों लड़ रहे थे। क्यों? कौन लूटेगा, वर्चस्व की लड़ाई, कौन साम्राज्य की स्थापना करेगा, है ना? तो नीचे सानुसभा में बैठे राम की निराशा, राष्ट्रीय जनता की ही निराशा है। यह कविता, यह कविता अपनी कथात्मकता और प्रतीकात्मकता के माध्यम से, यह कविता अपनी कथात्मकता और प्रतीकात्मकता के माध्यम से राष्ट्रीय जागरण या नवजागरण के संदेश को लेकर लिखी गई। किसके संदेश को लेकर लिखी गई? अब एक आदमी बोल बोल के पढ़े तो और यहाँ से मजा आने लगेगा, फिर कविता पढ़ रहे हैं। शुरू से जहाँ से लिखे हो आदि, थोड़ी देर ऑफ कर आदि।